अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन फ्रॉम ज़ेड फार्म। आज हम अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ जो तकरीबन 20 से 25 दिन पहले हमारे फार्म पे बॉर्न हुए थे उनकी हम डिवर्मिंग करेंगे और साथ साथ आपको भी हम ये एक्सपीरियंस करवाएंगे और बताएंगे हम ये डिवर्मिंग क्यों कर रहे हैं और ये ज़रूरी क्यों है। तो जी आज हम जो डिवर्मिंग करने लगे हैं इनकी, हम एल्बेंडाजोल के साथ डिवर्मिंग करने लगे हैं। ये साल्ट है बेसिकली, ये पाउडर फॉर्म में हम इसको डिल्यूट करेंगे पानी के साथ और फिर इससे बच्चों की डिवर्मिंग करेंगे। एल्बेंडाजोल हमने इस वजह से चूज़ किए कि एल्बेंडाजोल की से डिवर्मिंग करने से बच्चों को मोक वगैरह नहीं लगती और जिस तरह के दूसरी ऑजेक्स वगैरह या एल्बेंडाजोल अगर आप इस्तेमाल करने से मोक लगती है जानवरों को, इससे नहीं लगती तो मोक वाला हम बच्चों के साथ रिस्क ले नहीं सकते। तो हम एल्बेंडाजोल करेंगे इस्तेमाल। हम डिवर्मिंग इस वजह से कर रहे हैं कि बच्चे जब 20 से 25 दिन के रहते हैं मुंह में आने लग जाते हैं नीचे मिट्टी वगैरह में, इन चीज़ों में, और दूध के साथ साथ ये चीज़ें मुंह में डालते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शायद वर्म्स वगैरह इनके पेट में चले जाएं। तो आप ज़रा जो सॉफ्ट डिवर्मर जो होते हैं उनसे आप बच्चों की डिवर्मिंग कर सकते हैं, जस्ट इन केस के कोई कीड़े ना हो। अगर कीड़े पड़ जाएँ हमें पता ना लगे तो इनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है इसमें। तो जी ये बच्चे हैं जिनकी आज हम डिवर्मिंग करेंगे। हमने सारा इनको साइड पे किया हुआ है और बेसिकली ये नहीं की जगह ताकि ज़्यादा बाहर शरारतें ना करें बड़ों के साथ। तो आज हम इनकी डिवर्मिंग करेंगे और आपको ये सारा मेथड साथ साथ बताएंगे हम किस तरह कर रहे हैं इनको और किस तरह मैनेज कर रहे हैं। वो तीन बच्चे हैं थोड़े बड़े हैं इनसे, ये चार बच्चे हैं एक तकरीबन एक ही एज के हैं। ये देखिए माशाल्लाह बच्चों को माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और ये हमारा सेक्शन है बकरों वाला, वो बकरी खैर वैसे ही हमने छोड़ी हुई है, प्रेग्नेंट है, उसको ब्रीडर तंग नहीं करेगा। और यहाँ पे इंशाल्लाह हमारा जल्दी फ्लॉक आ रहा है जो ईद के लिए हमने रेडी करना है। वो सारा हम आप लोगों को बताएंगे कि ईद वाला बिज़नेस जो है इसमें कितना अच्छा है, गोल्ड फार्मिंग में आप कर सकते हैं और मतलब कितना प्रॉफिटेबल बिज़नेस है आपको, ये सारी चीज़ें हम अपना एक्सपीरियंस करके आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो हम इनकी डोजेज का एस्टिमेट इस तरह लगाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं जो तकरीबन 20 से 25 दिन के भी बच्चे हैं हमारे, इनको हम जो डोज देंगे तकरीबन 5 ml हम डोज देंगे क्योंकि इसको एल्बेंडाजोल पाउडर फॉर्म में हमने इसको डाइल्यूट करना है पानी के साथ। तो हम इनको 5 ml डोज देंगे। जो बच्चे बड़े हैं हमारे, तीन बड़े बच्चे हैं, उनका वेट भी तकरीबन 15 kg प्लस है, तो हम उनको 10 ml जो है वो हम उनको डोज देंगे। तो इनको इसको बनाने का तरीका ये है कि देखिए हमने अब कैलकुलेट कर लिया कि बच्चों को 5-5 ml देनी है। चार बच्चे हैं हमारे छोटे जो 20 से 25 दिन की एज के हैं, हम उनको 5-5 ml देंगे तकरीबन 20 ml ही हो जाएगा, और जो बड़े हैं उनको 10-10 ml देंगे वो 30 ml ये हो जाएगा। तो तीन बच्चे हैं वो, तो टोटल 50 ml पानी में हम ये इसको डाइल्यूट करेंगे, ये डाइल्यूट करके हम इनको देंगे। और ये टोटल प्रोसेस के लिए इन बच्चों के लिए हम दो जो साशे हैं ना एल्बेंडाजोल के, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 5 ml का 5 ग्राम का पैकेट है, इसमें 1 ग्राम एल्बेंडाजोल होती है। तो हम दो पैकेट इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 7 से 8 बच्चों के लिए। आप दो पैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पैकेट आप 3 से 4 बच्चों के लिए इजीली कर सकते हैं। जी 50 ml पानी जो है हमने अपनी एक निकाल लिया है साइड पे और उसके अंदर हम अब ये डाइल्यूट करेंगे एल्बेंडाजोल को। इसको इस तरह आगे ये ग्रीन पैलेट्स की शक्ल में होता है, डाल लें। देखें अब ये खुद ही ऑलमोस्ट खुद ही डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, चेक करें। फिर भी हम इसको 1-2 मिनट हिलाएंगे कि इजीली डाइल्यूशन इसकी हो जाए, इस तरह कुछ ना जाए। इस तरह ये कस्टर्ड की शक्ल में बन जाएगा, पर आपने नहीं पीना ये बकरों के लिए वनीला कस्टर्ड। ये देखिए मैंने 5 ml डोज भर ली है, जो छोटे बच्चे हैं उनके उनके लिए। अभी पहले हम छोटे बच्चों की डिवर्मिंग करेंगे, फिर एंड पे बड़े वालों की करेंगे। आ जाए देखें कितना करनी है। और जब भी आपने देना है कोशिश करें इनकी ज़ुबान पर रख के देना है और साइड पर नहीं, साइड पर नहीं, गाल पर नहीं डालना। अक्सर लोग गाल पर डालते हैं, वो सीधा डायरेक्ट फेफड़ों पर असर करता है। ज़ुबान पर देना, ज़ुबान मूवमेंट करेंगे तो बहुत ईजीली इसको मैनेज कर लेते हैं। ये देखिए जो फीडर पे लगे हुए बच्चे होते हैं ना, वो बहुत इजीली इन चीज़ों को पीता है, उनको दवाई पिलाना बहुत आसान होती है, इजीली पीने। हेलो जी, ये हमारा आखिरी बच्चा है और ये माशाल्लाह हमारा फ्यूचर ब्रीडर है। और इसकी अभी ये दो माह का भी पूरा नहीं है और माशाल्लाह इसका वेट 18 kg है ये। और इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया अपना फ्यूचर ब्रीडर बनाने के लिए। और इसमें एक सबसे ख़ास बात यह है कि जो इसकी माँ है ना, उसके जो टिट्स हैं
वो चार टेट्स वाली इसकी माँ है और इसके जो टेस्टिस पे भी इसके टेट्स निकल रहे हैं, मतलब जैसे दूध वाला बकरा कहते हैं वो बनेगा। लो जी, आपके सामने हमने डिवर्मिंग करके दिखा दिया किस तरह और किस प्रोसेस के साथ आपने डिवर्मिंग करनी है। और डिवर्मिंग करने की वजह की ये होती है कि जो कीड़े वगैरह ये नीचे मुंह मारते हैं ना मिट्टी के अंदर, तो उसमें कीड़े बन जाते हैं इनके पेट में, तो वो जो कीड़े होते हैं इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अभी हमने पहले जो बड़े जानवरों की डिवर्मिंग की थी उसके बाद बड़े इफेक्टिव जो है रिजल्ट देखे थे, तो हमने बड़े जानवर वाली जो डोज थी वो इन्हें नहीं थी और इनके लिए हमने साल्ट भी डिफरेंट यूज़ किया ताकि इनको मोक वगैरह का इशू ना आ सके। और माशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी फर्दर आगे वीडियोस में आने वाली वीडियोस में कि किस तरह ग्रोथ पकड़ते हैं। और इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो के लिए, तो इंशाल्लाह आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए, आपकी रहनुमाई के लिए। और बेसिकली हम आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, ना कि लोगों की बातें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।